हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, तो स्वागत है आप सभी लोगों का एक और न्यू ब्लॉग में। और अभी न्यू ब्लॉग की शुरुआत करें मैं सुबह के 10 बजे से। अभी नाश्ता पानी सब लोगों का हो चुका है और कोई कर रहे नाश्ता, खैर हमने तो नाश्ता कर दिया है। और अभी हम कुछ मेहमान चले गए हैं, कुछ अभी तैयार हो ही रहे हैं, जैसे हम भी अभी जाने वाले हैं। तो हम जा रहे हैं आज देहरादून के सारी तो सारी सब जो भी कार्यक्रम सब निपट गया है और मेहमान लोग भी लगभग चले गए हैं। तो ठीक है दोस्तों, आप लोग हमारे साथ बने रहें आगे वीडियो में। और मैं जा रही हूँ अपने भाभी की छोटी बहन के साथ, वो जा रही है ऋषिकेश, उन्हीं की गाड़ी में जाऊँगी हरिद्वार तक, वहाँ से वो जाएंगे ऋषिकेश और मैं जाऊँगी देहरादून के लिए। और मेरे साथ है मेरे भतीजा, जो मेरे भतीजा मेरे साथ आए थे हरिद्वार से और वो भी आ रहा हमारे साथ। ये मेरे भाभी की छोटी बहन जिनके साथ हम जा रहे हैं ये हैं, और सब लोग लगभग तैयार हो ही गए हैं। चलो आइए, तो चले गए। मैं तो बोल रहा हूँ भाई फटाफट जाओ यहाँ से, भीड़ कम करो। आइए तो अभी खाना खा के और जाएंगे यहाँ से। ये जावा जाता हूँ खुद और आयो फोन छोड़ में जाओ। और अब यहाँ पे जा रहे हैं हम लोग देहरादून। सब लोग बहुत भावुक हो गए हैं, रो रहे हैं सब लोग, मुझे भी रोना आ रहा है। भाभी ने मुझे और अपनी बहन को गले लगाया है प्यार से, बहुत ही रोना आ रहा। भाभी की बहन तो कुछ ज़्यादा ही रो रही है, पता नहीं अब कब मिलना होता। यही समय होता है दोस्तों अपनों से मिलने का, कुछ कार्यक्रम हो गया, कुछ शादी ब्याह हो गया, वैसे तो कहाँ मिलते हैं, सब लोग अपने अपने बिजी रहते हैं। अब आगे पे आएगी हमारी गाड़ी, चलते हैं सीधे देहरादून के लिए। अच्छा
और मैं उतर चुकी हूँ हरिद्वार से आगे नेपाली फार्म पे, और यहाँ से दीदी लोग चले गए हैं अपने घर के लिए, यानी कि ऋषिकेश के लिए। यहाँ पे इतना लंबा जाम लग रखा है उस साइड से, मतलब गाड़ी बहुत ही ज़्यादा जाम लग रखा है। अब मुझे लगभग एक घंटा हो गया यहाँ पे, अभी तक मुझे देहरादून की बस नहीं मिली। सारी बस जो भी आ रहे हैं भर के आ रहे हैं। अब मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा भानीवाला, यहाँ से पकड़ूँगी मैं विक्रम पे भानीवाला, और भानीवाला से तब जाऊँगी मैं देहरादून। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो। बाय बाय।